अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए आज आपको दिखा तेज हवाएं जिन्हें सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। दरख्त देखिए कैसे लहलहा रहे हैं हवाओं में, और ये देखिए बिल्डिंग है, ये मिली हुई से बिल्डिंगें हैं, और पार्किंग है, ये देखिए ये मेरे बैक पर भी एक बुलंद वाला इमारत है, उधर भी नज़र आ रही है। इधर देखिए सूरज ग्रूव हो रहा है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद बस दिल ये कहता है कि पर लग जाएं और पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा खाली मैं नहीं बल्कि जिस देसी से भी आप मिले ना, जिस मुल्क के जिस शहरी से मिले, वो अपने वतन को याद करता है। अभी एक फादर्स डे होके गुजरा है, सॉरी हिजरत के बाद जब हम आए पाकिस्तान और मैं थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो गई, तो मेरे वालिद मेरी उंगली थाम के कराची की गलियों में मुझे लेके फिरते थे। मेरे पीछे भाईजान और बाजीजान होते थे। फिर जब मैं बड़ी होने लगी तो अब्बा जान ने मुझे, सुबह जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे बालों में कंघी करते थे, मेरी छोटी बहन के बालों में कंघी करते थे, और हम दोनों छोटे छोटे थे, रात को हमारे अम्मा जान देख लेती थी, लेकिन फिर भी अब्बा जान खैर खबर रखते थे बच्चों की, होमवर्क की। बैंकिंग का इम्तिहान देते गए, कोई भी हालात थे उन्होंने इल्म का दामन नहीं छोड़ा। नतीजा ये हुआ उसका कि माशाल्लाह बड़े उहदे पर वो फायज रहे। ये वो ज़माना था जब गबन और दूसरी मकरूहात हमारे समाज में सरायत नहीं की थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 84 साल हयात पाई, और ऐसा भरा पूरा ख़ानदान माशाल्लाह छोड़ के गए, वो काबिले रश्क ख़ानदान माशाल्लाह, और जब तक ज़िंदा रहे तब तक बहुत ही खूबरू ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद वफात उनकी उसी तरह से हुई कि वो भाभी जान के साथ होते थे, मेरी अम्मी जान की वफात के बाद वो बड़ी भाभी जान के साथ होते थे। बड़ी भाभी जान भाई जान उनकी बहुत दिलो जान से खिदमत करते थे, सब भाई मेरे खिदमत वाले हैं, लेकिन ये सादत उन
उनके हिस्से में आई। तब भाईजान ने बड़े भाईजान हसन इमाम भाईजान को मुंतखब किया रहने के लिए साथ में। और एक सुबह जब वो अपने बच्चों के दरमियान बैठे हुए थे, जबकि एक भाई मेरा बाहर था अनीस इमाम, लेकिन वो भी आ गया था, खुदा की शान देखी वो भी आ गया था, मिलने के लिए आया हुआ था। और सब बैठे हुए थे, पांचों बेटे उनके माशाल्लाह, और भाभी जान नाश्ता दे रही थी। सबसे पहले अब्बा जान को करवा देती थी, फिर बाकियों को देती थी। फिर नाश्ते के बाद बातें मुनीर करने लगे अब्बा जान, जैसा कि उनका तरीका था, जब छुट्टी के दिन बेटे उनके साथ बैठते थे तो वो बातें करते थे और सब उनकी बातों को अहमियत देते थे, ख्याल करते थे। बातें करते करते उनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और वो खामोश हो गए। मेरे एक भाई ने कहा, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान जा चुके थे खुदा के घर। और फिर मेरे भाई लेके भागे उन्हें गाड़ी में, लेकिन डेथ डिक्लेयर हो गई, यानी वो जिए तो शान से और खुदा के घर गए तो शान से। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे अपने वालिद की का माजी याद आता है। वो 19 साल के होके 20वें साल में थे, अम्मी जान 17 की होके 18वें में दाखिल हुई थी, जब उन दोनों की शादी हुई थी। वो दोनों आपस में छुपीजाद मामूजाद कज़िन थे। और फिर अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत में हिजरत लिखी थी। वो बड़ी खुशहाल तरीन ज़िंदगी छोड़कर उनको निकलना पड़ा जाने बचाने को, जबकि मेरे दो ताया वहाँ थे जो कि दो मुख्तलिफ शहरों में थे। उनके ऊपर अल्लाह ने फजलो करम किया और उनको निकलना नहीं पड़ा। ये भी तो खुदा की एक शान होती है ना। फिर मेरे वालिद आए यहाँ पे एयरफोर्स की सर्विस की और बड़ी अच्छी ज़िंदगी शुरू की। लेकिन हमारी लाइफ में चूँकि अभी आजमाइश आनी थी, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे मावराई हालात पेश आए कि जो एयरफोर्स छावनी का घर भी छोड़ना पड़ा, सर्विस भी गई अब्बा जान की। लेकिन मेरे वालिद ने हिम्मत नहीं हारी, बैंक की जॉब कर ली और फिर वहाँ से तरक्की करते करते माशाल्लाह ऑडिटर के ओहदे पर पहुँचे माशाल्लाह। और फिर वहाँ से आखिरी विज़िट उनकी हांगकांग की थी। वहाँ से वो लेकर आए थे 2 सूट केसेस में कपड़े लाए थे। अम्मी जान ने कहा, देखो बेटा तुम जो दिल चाहे पसंद कर लो और जो जिसका जिसको जो दिल चाहे वो तुम दे दो। मैंने दोनों सूट केसेस को बंद किया और मैंने कहा, अम्मी जान मेरे भाइयों की शादियाँ होनी हैं अभी 2-3 में महीनों में, आप देखिएगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और वाकई फिर मैंने उन्हीं कपड़ों में से अपने भाइयों की बरी बनाई माशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से वो भाई, दोनों भाई माशाल्लाह, सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में फल फूल रहे हैं। खुदा सबको शादो आबाद रखे और मेरे वालिदैन की रूह को अरवाह को इसका सवाब पहुँचे कि उन्होंने हम बच्चों को बहुत दिल लगी से पढ़ाया, बहुत दिलो जान से तरबियत की कि हम आज इस मुकाम पर पहुँचे खुदा के फजलो करम से। जो कुछ भी हैं जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुदाए बुजुर्गो बरतर का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्र है मेरे परवरदिगार का, शुक्रन जमीला।